राधे राधे सभी को। वेलकम टू मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। तो लास्ट क्लास में अपन ने किसके बारे में स्टडी किया था? गॉस लॉ के बारे में एप्लीकेशंस पढ़ लिए थे उसके, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक आता है वो आता है आपका कर्ल, ठीक है। क्योंकि अपन ने कर्ल क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अपन ने डाइवर्जेंस निकाल लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस निकाल लिया था, ठीक है। मैंने क्या निकाला था लास्ट क्लास में, आपने मतलब मैंने ही निकाला था, वो क्या निकाला था कि अपने पास में डाइवर्जेंस कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो डाइवर्जेंस जो था, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो देखो, डेल डॉट ई जो था वो कितना आ रहा था अपने पास में, रो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। दिस आल्सो नोन एज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, और मैक्सवेल की कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है। तो ये डाइवर्जेंस था, मतलब डाइवर्जेंस इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ ना कुछ होता है, ये तो पता था। लेकिन व्हाट अबाउट डेल क्रॉस ई, डेल क्रॉस ई कितना होता है? डॉट तो निकाल लिया अपन ने, डेल डॉट ई कितना होता है, वो डेल डॉट ई तो अपन ने निकाल लिया, डेल क्रॉस ई कितना होता है ये अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब आप बोलोगे सर इसका ग्रेडियंट भी, तो बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी है और ग्रेडियंट निकलता है किसका, स्केलर क्वांटिटीज का, इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो अपना जो अगला टॉपिक है, अपना अगला टॉपिक यही है कि भाई अपने पास में जो डेल क्रॉस ई जो होता है इसकी वैल्यू कितनी आती है। फिजिकली अपने को पता है कि इसकी वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, कर्ल नहीं बनाती है, डाइवर्ज ही क्या होती है, मतलब सॉरी डाइवर्ज होती है ये, कर्ल नहीं करती है, ठीक है। तो अगला है अपना टॉपिक कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल कितना होगा, डेल क्रॉस ई, ठीक है। ये अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, प्रूव दैट डेल क्रॉस ई और कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू जीरो, जीरो आती है, तो प्रूफ भी करवा सकता है, ठीक है। मैं टॉपिक का नाम भी दे देता हूँ, क्वेश्चन की फॉर्म में भी बना सकता है इसको, ठीक है। तो अपने पास में डेल क्रॉस ई निकालना है, अच्छा चलो कैलकुलेट करते हैं। वी नो दैट वॉट, कि जो अपने पास में ई जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय ई बराबर, ठीक है, 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट। मैं सीधा ही किसके लिए ले रहा हूँ, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, किसके लिए, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। अपने पास में इंटीग्रेशन, ठीक है, क्यू, ठीक है, इंटीग्रेशन क्यू, क्यू नहीं अपने पास में तो रो आएगा, रो, ठीक है, ये हो जाएगा आर वेक्टर अपॉन में आर वेक्टर का क्यूब, और ये कितना आ गया, डी टाउ, ठीक है। ये अपने पास में कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, यही जानते हैं अपन, ठीक है। टेकिंग कर्ल बोथ साइड्स, या टेकिंग ठीक है क्रॉस प्रोडक्ट विद ऑपरेटर डेल बोथ साइड्स, ठीक है, वही अपने को कर्ल डिफाइन करता है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया किस ऑपरेटर के साथ में, डेल के साथ में, दोनों साइड्स में, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर कितनी है आपकी, 1 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, डेल क्रॉस ई, ठीक है, ये कितना आएगा अपने पास में, 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, रो पे ऑपरेट नहीं होगा, रो तो स्केलर क्वांटिटी है, डेल ऑपरेटर है, ठीक है। ये ऑपरेट किस पे होगा अपने पास में, वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर, ठीक है, क्योंकि कर्ल निकाल रहे हैं और कर्ल हमेशा वेक्टर क्वांटिटीज पे ही ऑपरेट होता है, स्केलर पे नहीं होगा, ठीक है, स्केलर पे नहीं होगा। तो ये किस पे हो जाएगा, डेल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन में आर वेक्टर का क्यूब, ठीक है, और साथ में कितना आ जाएगा, ये डी टाउ। देखो एक दूसरी चीज, डेल को मैंने यहां क्यों नहीं लिखा, अंदर ही क्यों ले गया, क्योंकि इंटीग्रेशन पहले कर लो या डेल ऑपरेटर पहले लगा लो, ऑपरेटर आप पहले कोई सा ही लगा लो, चाहे आप इंटीग्रेशन करके इसकी वैल्यू निकालो, चाहे डिफरेंशिएशन करके फिर इंटीग्रेशन कर लो, बात एक ही आती है, सेम ही आएगी वो, ठीक है। अब अपने को ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये वाली, कि भाई डेल क्रॉस आर अपॉन में जो आर क्यूब है इसकी वैल्यू कितनी आती है, ठीक है, इसकी वैल्यू देखो कितनी आएगी,
चलो इसकी वैल्यू की बात करते हैं अपन, ठीक है। तो कैलकुलेट करें, नाउ कैलकुलेट डेल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन में आर वेक्टर का मॉड क्यू, ठीक है। ये अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए कोई ना कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना पड़ेगा, और अपने को पता है कि सबसे सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा होता है आपका, कार्टेशियन होता है। सबसे सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा होता है आपका, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। स्फेरिकल में जाओगे या फिर किस में जाओगे, सिलेंड्रिकल में जाओगे, तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी बन जाएगी। तो अपन किससे सॉल्व कर लेते हैं, कार्टेशियन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो वो सबके लिए जनरल हो जाएगा फिर, ठीक है। ठीक है, लेट अ कार्टेशियन सिस्टम इन विच आर वेक्टर कितना होगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। आर वेक्टर को अपन कैसे डिफाइन करेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एंड आर वेक्टर का जो मॉड होगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है अपने पास में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसकी पावर 1/2, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या होता है, आर वेक्टर का मॉड होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नाउ अपने पास में आर वेक्टर अपॉन में आर वेक्टर का क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन में, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसकी पावर कितना हो गया, 3/2। ये 1/2 हो गए, और इसकी पावर कितनी हो गई, 3/2, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या आ गया, आर वेक्टर अपॉन में आर वेक्टर का मॉड, और उसका क्या हो गया, ये क्यूब हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नाउ ठीक है, फर्दर अपने को क्या निकालना है, डेल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन में कितना निकालना है, ये आर वेक्टर का क्यूब। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ये i, ठीक है, ये j, और ये कितना हो गया आपके पास में, k, ठीक है, i j, और ये कितना हो गया, k। यहाँ पे तो आ जाएगा डेल अपॉन में डेल x, भाई ऐसे ही निकालते हैं ना क्रॉस प्रोडक्ट के साथ कर्ल को, तो ये कितना हो जाएगा, डेल अपॉन में डेल z, ठीक है। यहाँ वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में, देखो ये हो जाएगी x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसकी पावर 3/2, ठीक है। इसकी वैल्यू में जो आई कैप होगा, जे कैप में वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसकी पावर 3/2, ठीक है। और उधर कितनी हो जाएगी अपने पास में, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अपन, एक मिनट, ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 3/2, ठीक है। और ये हो जाएगा के कैप, के कैप में कितना आ जाएगा, ये डेल अपॉन में डेल जेड, ठीक है, ये कितना हो गया के कैप, ठीक है, डेल अपॉन में डेल जेड। और ये हो जाएगा जेड अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसकी पावर 3/2, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या बनेगा, कर्ल ओपन करने का तरीका है, कर्ल को कैसे ओपन किया जाता है, ठीक है। चलो आगे फर्दर मूव करते हैं इसमें, चलो अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए अपने पास में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो डेल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन में आर वेक्टर का मॉड क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई कैप, ठीक है, आई कैप कितना हो जाएगा, ये देखो आई कैप ये कितना हो जाएगा, डेल अपॉन में डेल वाई, डेल अपॉन में डेल वाई के साथ में कितना आ जाएगा, जेड अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर इसकी पावर कितनी हो गई, 3/2, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस अपने पास में कितना आ जाएगा, ये इसको इससे करेंगे डेल अपॉन में डेल जेड, ये कितना आ जाएगा, वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर,
ठीक है, इसकी पावर कितनी हो गई अपने पास में 3/2, ठीक है। ये तो कौन सा हो गया आपके पास में आई कैप, ये तो कौन सा आ गया अपने पास में आई कैप आ गया, ठीक है, ये आई कैप आ गया। सिमिलरली अब जे कैप की बात करूं तो माइनस के जे कैप लगेगा, ठीक है, माइनस के जे कैप कितना हो जाएगा डेल अपॉन में डेल एक्स, कितनी वैल्यू हो जाएगी जेड अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी पावर कितनी हो गई 3/2, ठीक है। ये डेल अपॉन में कितना हो जाएगा डेल एक्स, इसके बारे में सही है ना, डेल अपॉन में, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा माइनस के डेल अपॉन में डेल जेड, ठीक है, माइनस के डेल अपॉन में डेल जेड, एक मिनट, माइनस के डेल अपॉन में डेल जेड, और यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में ये वाली एक्स वाली, एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी, इसकी पावर 3/2, ठीक है। ये अपने पास में कौन सी कैप हो गई जे कैप हो गई, ठीक है। अब कौन सा बचता है लास्ट, प्लस के कैप। अब के कैप में अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, ये देखो के कैप की बात करते हैं तो वहां पे कितना आएगा अपने पास में डेल अपॉन में डेल एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी पावर 3/2, ठीक है, माइनस माइनस डेल अपॉन में डेल वाई, ठीक है, कितना हो जाएगा वाई में एक्स अपॉन में, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी पावर 3/2, ठीक है। ये बोर्ड थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, हल्का सा यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा समझ लेना। देखो चीज़ें वही लिख रहा हूँ मैं, कुछ ऐसा तो नहीं लिख रहा, अलग ही नहीं लिखा है, ठीक है। ये अपने पास में क्या हो गया, इसको कर्ल को मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। अब जिसकी फर्स्ट टर्म है इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसकी फर्स्ट टर्म को सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट टर्म ऑफ अबाउ इक्वेशन कितनी दे रखी है वो अपने को, आई कैप, ठीक है, कितना था आई कैप डेल अपॉन में डेल वाई, और यहां पे कितना था जेड अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी पावर 3/2, ठीक है, माइनस माइनस, ठीक है, कितना था डेल अपॉन में, कितना आ जाएगा डेल जेड, डेल अपॉन में डेल जेड, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी पावर कितनी हो गई 3/2, ठीक है। ये अपने पास में क्या आ गया, फर्स्ट इक्वेशन आ गई जो अपन ने लिखी थी। अब इस फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करना है, डिफरेंशिएट करना है, कर दो डिफरेंशिएट, ये कितना हो जाएगा आई कैप, ठीक है, इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो ये यू अपॉन में वी लगा लो, चाहे इसको ऊपर ले जाओ पावर में, ठीक है, इसको कहाँ ले जाओ पावर में ले जाओ ऊपर, तो वो यू इंटू वी भी लग जाएगा, जैसी आपकी इच्छा करे वैसे डिफरेंशिएशन कर लेना, ठीक है। तो देखो अगर मैं जेड का करता हूँ, इसको छोड़ा जेड का करते हैं, जेड का करते हैं तो भाई वाई के रिस्पेक्ट में तो कितना होगा जीरो होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं, डिपेंड नहीं करते एक दूसरे पे कभी भी, ठीक है। तो देखो जेड का करोगे वाई के रिस्पेक्ट में तो कितना आएगा जीरो आएगा, ठीक है, जेड को छोड़ा, अब इसका कर रहे हैं तो इसकी पावर को अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस की पावर आएगी, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस के 3/2 तो आगे आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, ठीक है, ये नीचे चला जाएगा माइनस 3/2 माइनस 1 में, ठीक है, तो यहां पे कितना आ जाएगा अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 5/2, माइनस के 3/2, ठीक है, माइनस के 1 कितना हो जाएगा माइनस के 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा अपने पास में, यहाँ पावर कितनी आ जाएगी 5/2, माइनस के 5/2 हो जाएगा ना, तो नीचे आ जाएगा, ठीक है, इसको ऊपर ले गया पावर को, पावर को ऊपर लेंगे तो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन माइनस 3/2 आगे आ गया, माइनस 1 लगा दिया वहां पे, माइनस 5/2 होगा वो नीचे जाएगा, प्लस के 5/2 हो जाएगा, ठीक है। अब अंदर क्या बच रहा है वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का करोगे तो कितना आ जाएगा 2 times of y, y स्क्वायर का करोगे तो कितना आएगा 2 times of y,
एक सीख गए, सारे सेम होंगे। अब Z का करो, Y का करोगे जीरो, पूरी टर्म खत्म हो जाएगी। ठीक है, Y को छोड़ा, वही माइनस के 3/2 आगे आएगा। ठीक है, माइनस के 3/2 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा अपने पास में। ठीक है, साथ में कितना आ जाएगा, किसका रिस्पेक्ट में कर रहे हो, 2 इंटू जेड। ठीक है, 2 इंटू जेड, दिक्कत हो रही है, तो 2 इंटू जेड। ठीक है, यहां पे कितना हो जाएगा, 2 इंटू जेड अपॉन में कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 5/2। समझ गए ना, सेम। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, आई कैप माइनस के कितना हो जाएगा, 3zy, कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी पावर कितनी हो गई, 5/2। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, 3yz कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी पावर कितनी हो गई, 5/2। ठीक है, तो देखो ये प्लस की टर्म आ रही है, ये माइनस की टर्म आ रही है, कितना हो गया, जीरो। कितना आ गया, ये जीरो आ जाएगा। दैट मीन्स अपने पास में जो फर्स्ट टर्म आएगी, फर्स्ट टर्म कितनी आ रही है इसकी, फर्स्ट टर्म कितनी आ रही है आपकी, जीरो आ रही है। ठीक है, तो अगर मैं और टर्म्स की बात करता हूं अपने आगे, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म की, तो वो भी सिमिलरली क्या आएंगी, जीरो आएंगी। नहीं करके देख लेना आप, वो भी जीरो आएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं, मैं सिमिलरली करके लिख देता हूं, इतना बड़ा बनाना ही क्यों क्वेश्चन को। सिमिलरली सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म also result to zero, also result to zero, so del cross r vector upon में r का vector का cube, इसकी value कितनी आ जाएगी, zero। ये value कितनी आ जाएगी अपने पास में, zero। this is your equation number third। ठीक है, वो इक्वेशन नंबर 2 थी, ये वाली कहां गई, ये वाली, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसको दे देना 2। ठीक है, तो अपने पास में कितना आ गया रिजल्टेंट इसका, डेल क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब कितना हो गया अपने पास में, 0 आ गया। ठीक है, ये जीरो हो गया। ऑल्सो फॉर अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, सिस्टम्स लाइक स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल, like spherical or cylindrical, del cross r vector upon में r vector का mod cube equals to zero, या फिर ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, for other coordinate systems like spherical or cylindrical, the value of del cross r vector upon में r vector का mod cube is lead to zero। ठीक है, इसकी value भी अपने पास में, other coordinate systems के लिए भी इसकी value कितनी हो जाएगी अपने पास में, zero हो जाएगी। ठीक है, तो अपन आगे चलें। Now, from equation one, del cross E कितना आ जाएगा अपने पास में? Now, ऐसे करो, put
इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन, इन इक्वेशन वन. सो डेल क्रॉस ई जो होगा अपने पास में ये कितना आ जाएगा, जीरो. ठीक है, तो ये अपने पास में क्या करेगी, टर्म लीड करेगी यहाँ पे, कि भाई डेल क्रॉस ई कितना होता है, जीरो आता है. ये अपन ने प्रूफ भी कर दिया, ठीक है, मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया इसका. अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, ये अपन ने मैथमेटिकली तो इसको प्रूफ कर लिया. पूछ लेता है कि भाई राइट डाउन इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है. तो फिजिकल सिग्निफिकेंस, देखो फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इसके फिजिक्स में मीनिंग क्या है, ठीक है. फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल ऑफ, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है. तो देखो अपने को पता है कि भाई डेल क्रॉस ई कितना आ रहा है आपके पास में, जीरो आ रहा है, ठीक है. वी नो दैट, वी नो दैट कर्ल ऑफ अ, कर्ल ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड, कर्ल ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो. दैट मीन्स, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर, नेवर कर्ल अराउंड अ स्पेसिफिक पॉइंट, ठीक है. किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कर्ल नहीं करती है, उसके अराउंड चारों तरफ नहीं घूमती है, ठीक है. वी नो दैट कर्ल ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो. दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर कर्ल अराउंड अ स्पेसिफिक पॉइंट. पॉइंट अपने पास में कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है, उसके अगर चारों तरफ कोई वेक्टर फील्ड घूम रही होती है, तभी आपके पास में क्या निकल के आता है, कर्ल निकल के आता है, ठीक है. या फिर किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से क्या होती है, फैलती है, या उसमें क्या हो जाती है, वापस से सिकुड़ जाती है, तो डाइवर्जेंस आ जाता है, ठीक है. तो अपने पास में ये कह सकते हैं कि भाई किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे क्या करती है, कर्ल नहीं बनाती है, ठीक है, घूमती नहीं है, ठीक है. इसमें और भी लिख सकते हो तुम आगे, और भी लिख सकते हो, एक मिनट. देखो एक मीनिंग तो ये बनती है इसकी, ठीक है. दूसरी, इसमें वी नो दैट से मत लिखो इसको, यहीं से लिखना स्टार्ट कर देना, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. वी नो दैट तो नहीं, यहां पे नहीं, ठीक है. ये पहला पॉइंट है आपका कि भाई कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर कर्ल अराउंड अ स्पेसिफिक पॉइंट, ठीक है. इन अदर वर्ड्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज अ स्पेसिफिक, हैज अ, हैज अ स्पेसिफिक सोर्स from which, from which it, from which it started, it started and has a specific, specific sink where, where it is terminated, where it is terminated, ठीक है. Although, although it make divergence, it make divergence due to this सोर्स और सिंक, ठीक है, नॉट, नॉट कर्ल अराउंड, नॉट कर्ल अराउंड इन कंटिन्यूअस फॉर्म, इन कंटिन्यूअस फॉर्म, ठीक है. तो अपने पास में ये है, ठीक है.
ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस कि भाई फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर अपने को पूछ लेता है तो अपने को फिजिकल सिग्निफिकेंस में भी क्या लिखना है इसके, ठीक है, कि भाई कर्ल ऑफ अपने पास है फिजिकल प्रूफ दैट कि भाई कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू जीरो होता है, फिर उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी, ठीक है। तो मैथमेटिकली भी बता दिया आपको, फिजिक्स में भी मीनिंग बता दिया कि भाई किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर क्या होती है, घूमती नहीं है। स्पेसिफिक पॉइंट कैसे, देखो स्पेसिफिक पॉइंट कैसे, जैसे मान लो एक पॉइंट है, ठीक है, तो इस पॉइंट के चारों तरफ क्या करती है, इस तरीके से नहीं घूमती है इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी, ऐसे तो कौन घूमता है, मैग्नेटिक फील्ड घूमती है, इसलिए उसका कर्ल भी आता है, ठीक है, इसलिए उसका क्या आता है, कर्ल भी आता है, ठीक है। हमेशा जो अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस पॉइंट से ऐसे घूमेगी नहीं, तो क्या करेगी, देखो क्या करेगी, इस पॉइंट सोर्स से कुछ ना कुछ क्या होगी, डाइवर्ज होगी, या फिर क्या होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी इस तरीके से, ये डाइवर्जेंस होता है, ठीक है। और कोई दूसरा पॉइंट होगा आपका जहाँ पे क्या हो, जैसे प्लस माइनस क्यू चार्ज होगा वो, ठीक है, माइनस क्यू चार्ज ले लेते हैं अपन, ठीक, चार्जेस के बीच ही बात कर रहे हैं ना, चलो चार्ज नहीं, कोई एक दूसरा स्पेसिफिक पॉइंट होगा, ये तो सोर्स हो गया जहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ये सिंक होगा जहाँ पे क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो इस तरीके से आगे क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से अपने पास में क्या हो जाएगी, ये एंड हो जाएगी। देखो मैं बना देता हूँ आपके, तो सिंक, ये सिंक बन गया, ये इस तरीके से क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। ये तो मैं पहले ही उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्ट्रीब्यूशन में ही पढ़ा चुका था। तो ये अपने पास में सिंक का काम करता है, ये सोर्स का काम करता है, ठीक है, इसलिए इसका डाइवर्जेंस आता है, ठीक है। और कंटिन्यूस कहीं पे देखो घूम नहीं रही है, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे घूम नहीं रही है, तो कर्ल नहीं बन रहा है, तो कर्ल नहीं बनेगा तो अपने पास में डेल क्रॉस ई क्या आता है, हमेशा जीरो आता है, ठीक है। चलो इसको राइट डाउन कर लेना, एक मिनट, इसको लिख लेना आप, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट होता है क्या, डेल क्रॉस ई वाला टॉपिक, ठीक है, अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक आता है आपका कौन सा, पॉइजंस एंड लाप्लास इक्वेशन, तो हेडिंग डालेंगे अपन कौन से, पॉइजंस एंड लाप्लास इक्वेशन, पॉइजंस एंड लाप्लास, लाप्लास इक्वेशन, ठीक है, पॉइजंस एंड लाप्लास इक्वेशन अगली हेडिंग है अपने पास में। पॉइजंस एंड लाप्लास इक्वेशन क्या चीज़ है, ठीक है, ये तुम बीएससी सेकंड ईयर के अंदर भी स्टडी करके आ चुके हो, वहाँ पे सॉल्यूशन भी निकाला था किसका, लाप्लास का, ठीक है, पॉइजंस का भी सॉल्यूशन निकलता है, लाप्लास का भी सॉल्यूशन निकलता है, ठीक है। और लाप्लास तो मैं आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में बता चुका हूँ कि डेल स्क्वायर जो ऑपरेटर होता है अपने पास में, उसी को क्या बोला जाता है, लाप्लास ऑपरेटर बोला जाता है, ठीक है, लाप्लास ऑपरेटर बोला जाता है। तो इसको डिफाइन करने से पहले जो अपने पास है प्रीवियस क्लासेस में अपन ने पढ़ा है, पहले उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। कितना देखो, इन प्रीवियस सेक्शन, या फिर ऐसा नहीं, प्रीवियस सेक्शन नहीं, इसको एक काम करते हैं, ये लेते हैं अपन, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, थोड़ी थोड़ी सी आती है, ज्यादा नहीं है,
चल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, द टू इक्वेशंस, ठीक है, द टू इक्वेशंस, ठीक है, या मेजर इक्वेशंस भी बोल सकते हैं इनको, द टू मेन इक्वेशंस, टू मेन इक्वेशंस आर गिवन बाय, ठीक है, टू मेन या टू मेजर, ठीक है, जिससे अपने पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा बना हुआ है, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की दो मेजर इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, जो अनदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी होती हैं, अनदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, या फिर ऐसे लिख लेते हैं इसको, नोन एज इक्वेशंस विच इज ऑल्सो नोन एज अनदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, अनदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कौन कौन सी इक्वेशंस थी वो? एक तो थी कि भाई डेल डॉट ई, ये कितना था, रो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और जो दूसरी इक्वेशन आई थी अपने पास में वो कौन सी थी, कि डेल क्रॉस ई ये हमेशा क्या होता है, जीरो, ठीक है। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू, ठीक है, इक्वेशन नंबर वन हो गई और इक्वेशन नंबर टू हो गई, ठीक है। देखो, फ्रॉम इक्वेशन टू वी नो दैट कर्ल ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, कर्ल ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, इज इक्वल टू ऐसे लिखो, हैंस वी नो दैट, ठीक है, कर्ल ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फंक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, सो इक्वेशन टू इज रिटर्न एज डेल क्रॉस माइनस के डेल फाइ, ठीक है, इक्वल्स टू जीरो। अपने को पता है कि किसी भी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट, ठीक है, उसका अगर तुम कर्ल निकालते हो, ठीक है, उसका कर्ल निकालते हो तो वो अपने पास में क्या देता है, वैल्यू जीरो ही देता है, और अपने पास में डेल क्रॉस ई भी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है, तो अपने को ये भी पता है। और माइनस यहाँ पे क्या है, कन्वीनियंस के हिसाब से यूज किया है, मैं बताऊंगा बाद में इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्यों आ रहा है इसका मीनिंग मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। वेयर phi is a scalar potential, ठीक है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर जो स्केलर क्वांटिटी होती है अपने पास में, ठीक है, वो पोटेंशियल होती है, ठीक है, तो यहां पे अपन ने क्या मान लिया कि phi क्या है, यहां पे कोई भी एक स्केलर पोटेंशियल है, ठीक है। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री, तो अपने पास में देखो कितना आएगा ये, ठीक है, जो E होगा कंपेयर करोगे, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, तो अपने पास में E कितना आएगा, माइनस के डेल फाइव, ठीक है, E बराबर कितना आएगा, माइनस के डेल फाइव, ठीक है। अब यहां पे डेल जो होगा अपने पास में, वही अपने पास में अलग अलग कोऑर्डिनेट्स के लिए अलग अलग ऑपरेटर यूज करेंगे, तो E बराबर कितना आता है अपने पास में, माइनस के डेल फाई, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी अपने पास में स्केलर पोटेंशियल का क्या होती है, ग्रेडियंट होती है। क्यों, देखो इसका फिजिकल मीनिंग बताता हूँ मैं आपका। ग्रेडियंट क्या होता है आपका, ग्रेडियंट होता है मैक्सिमम चेंज नॉर्मल डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। अगर अपने पास में कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब एक स्फीयर बना हुआ है, तो उस स्फीयर में देखेंगे तो अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉर्मली ही बाहर जाती है ना,
नॉर्मली बाहर जाती है, तो उस नॉर्मल में जो मैक्सिमम चेंज होता है, ठीक है, जो मैक्सिमम चेंज होगा वही ग्रेडियंट कहलाएगा। और मैक्सिमम चेंज किसका? पोटेंशियल का, क्योंकि आपको पता है कि पोटेंशियल जैसे जैसे क्लोज आओगे पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती है, चार्ज के नजदीक आते जाओगे उसके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। और अपन क्या करते हैं, रेफरेंस पॉइंट लेते हैं इन्फानाइट पे, और इन्फानाइट पे जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? जीरो लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट वही पॉइंट होता है जहां पे पोटेंशियल को क्या लिया जाता है? जीरो लिया जाता है, ठीक है। तो अपन लेते हैं ना, वर्क डन अपन करते हैं, अभी मैं नेक्स्ट सेक्शन में यही पढ़ाऊंगा कि भाई इन्फानाइट से कोई एक चार्ज है क्यू, टेस्ट चार्ज है क्यू, वो दूसरे चार्ज के स्फीयर के अंदर आ रहा है, जहां की उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक स्फीयर बना हुआ है उस फील्ड के अंदर अपन क्या ला रहे हैं? उस चार्ज को ला रहे हैं। तो वर्क डन लेके आते थे माइनस के एफ डॉट डी आर, वहां पे एफ की वैल्यू कितनी रखते थे? क्यू ई रखते थे, ठीक है। तो वहां पे जो माइनस साइन आता था वही माइनस साइन है, ये वही माइनस साइन है यहाँ पे, ठीक है। जहां पे फाई अपने पास में क्या है? स्केलर पोटेंशियल, जिसको अपन वी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने फाई से ले लिया है, ठीक है। इसको किससे डिनोट किया जाता है? वी से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, इसका भी फिजिकल सिग्निफिकेंस लिख देता हूं। अबाव इक्वेशन टेल्स दैट द मैक्सिमम चेंज, ठीक है, इन स्केलर पोटेंशियल इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज सिस्टम। तो चार्ज सिस्टम से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है अपने पास में, ठीक है, वो कितनी होती है? जो मैक्सिमम चेंज होगा किसके अंदर? स्केलर पोटेंशियल के अंदर, ठीक है। स्केलर पोटेंशियल के अंदर जो मैक्सिमम चेंज होगा वो अपने को क्या बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। दिस इक्वेशन ऑल्सो लीड्स, ये इक्वेशन और बताती है अपने को कुछ, क्या याद करो? इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस, ठीक है। दिस इक्वेशन also tells us that the potential is equal all over the surface, ठीक है, all over the surface. This equation tells us that the potential is equal all over the surface, which is known as equipotential surface. क्या कहलाती है? Equipotential surface, ठीक है, क्या कहलाती है? Equipotential surface. याद करो, ट्वेल्थ के अंदर रिमाइंड करो, मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ आपको। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं हल्का सा लेता हूँ ये, ओके, ये तो ब्लैक में आ गया, येल्लो में लेते हैं। ये अपने पास में कोई एक स्फीयर है, ठीक है। अब इस स्फीयर के अंदर, ठीक है, इसकी जो सरफेस है ये वाली, ठीक है, इस सरफेस पे मैं मान लेता हूँ अपने पास में कितना पोटेंशियल है? फाइव, ठीक है। मैं मान लेता हूँ एक अनदर सरफेस में मान के चलता हूँ अंदर की तरफ, ठीक है, एक अंदर की तरफ एक और सरफेस ले ली मैंने, ठीक है, ये, ठीक है। इस अंदर की सरफेस से लेके चलो इस पे ले लेते हैं अपन, एक मिनट, इस पे फाई ले लेते हैं और ये चेंज हो गया कितना? डी फाई। याद करो, तुम ऐसे ही ग्रेडियंट पढ़ते थे इसकी नॉर्मल डायरेक्शन में। ये नॉर्मल डायरेक्शन क्या देता है? ग्रेडियंट के बारे में तो बताता है, और आपको पता है कि जो मैक्सिमम चेंज होता है वो नॉर्मल डायरेक्शन में ही होता है। याद करो ग्रेडियंट की डेफिनेशन, मैक्सिमम चेंज कहाँ होता है अपना? किसमें होता है? नॉर्मल डायरेक्शन में। और नॉर्मल डायरेक्शन में कौन जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। नॉर्मल डायरेक्शन में कौन जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो देगा नॉर्मल डायरेक्शन के अंदर मैक्सिमम चेंज ग्रेडियंट का, ठीक है। तो अपने को क्या देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी चीज, यहां पर जो पोटेंशियल होगा
यहां पे जो पोटेंशियल होगा, यहां पे जो पोटेंशियल होगा, यहां पे जो पोटेंशियल होगा, ये सारा का सारा पोटेंशियल कितना होगा, बराबर रहेगा। मतलब इस सरफेस पे ऐसा नहीं है कि भाई यहां पे पोटेंशियल अलग हो, 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 ना 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 ना, पूरी सरफेस पे पोटेंशियल क्या रहेगा, बराबर। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर डायरेक्शन में सेम ही जा रही है, तो उसका ग्रेडियंट भी सेम ही आएगा। उसका ग्रेडियंट जो स्केलर पोटेंशियल जो होगा, उसका ग्रेडियंट भी हर डायरेक्शन में सेम ही होगा। इसका मतलब क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम ही है चारों तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, माइनस के डेल फाई, तो इसका मतलब स्केलर पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम रहेगा। तो ये अपने पास में इक्वेशन किसके बारे में बताती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस किसके बारे में बताती है, जिसको तुम याद करो, ये भी लिखते थे माइनस के डेल वी अपॉन में डेल आर। और अगर मैं इस बात को थोड़ा सा इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखूं तो याद करो, ये इसको ऐसे भी देते हैं अपन, ई डॉट डी आर, ठीक है, ई डॉट डी आर, ये पोटेंशियल होता है आपका, याद करो। और यही पोटेंशियल अभी आगे भी आएगा, ठीक है। तो ऐसे रिलेट करनी है हर चीज, ऐसे नहीं है कि कुछ भी मनगणन पढ़ना है अपने को, नहीं, हर चीज की अपने पास में क्या है, एक व्याख्या है, एक इंपॉर्टेंस है उस टॉपिक का, कि भाई वो क्यों हो रहा है, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लेना, ये लो। अच्छा, पॉइजन्स एंड लाप्लास इक्वेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ अपना, है ना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे अभी इस टॉपिक को, तो मैंने अभी तो इतना ही बताया, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इस टॉपिक को पूरा करेंगे, पॉइजन्स एंड लाप्लास इक्वेशन टॉपिक को पूरा करेंगे, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। राधे राधे।